हेलो बच्चों, आज क्लास 11th जो कि हम पहले से डिस्कस कर रहे थे चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा में गति, उसमें हमने समय विस्थापन वक्र डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात किया था कि ग्राफ का मतलब होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बॉडी। किसी बॉडी के मोशन को विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ की मदद से हम देख करके मालूम कर लेते हैं कि एक्चुअली में बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है। जैसे हमने बताया भी था कि क्रिकेट मैच होता है तो उसमें स्कोर है, रन रेट है, ये सब देखने के लिए एक तो चार्ट में देखो कि कैसे रन रेट चल रहा है, वो एक ग्राफ बना देते हैं और ग्राफ से हम बता देते हैं कि एक्चुअल में रन रेट बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वेग समय ग्राफ की। देखिए हमको करना क्या है कि भाई कितने प्रकार की वेलोसिटी होती है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा और उस ग्राफ से मिलेगा क्या, हमको हम क्या निकाल सकते हैं उससे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये हेडिंग सब में रहेगी। पहला है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान चाल अगर है बॉडी की है, एक समान चाल है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा और कैसे उससे क्या निकलेगा। देखिए ध्यान से, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखिएगा, ग्राफ चाहे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, ग्राफ एक जैसे होंगे, देखना पड़ेगा आपको उसमें क्या निकलवाया गया। ठीक है, हमने मान लिया कि बॉडी की वेलोसिटी v है, यानी v का मतलब यह हुआ कि तो जीरो हुआ जाकर के, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी आपने v मानी यानी v, और स्पीड कैसी है उसकी, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान चाल है, यानी आपकी गाड़ी का जो कांटा है स्पीड स्पीडोमीटर में वो अगर 70 पे है तो 70 है, एक सेकेंड बाद v, दो सेकेंड बाद v, तो आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो ये तो मुझे मालूम हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन में इस प्रकार का ग्राफ मिलता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के समांतर एक लाइन की मिलती है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है और यही अंतिम भी है क्योंकि अल्टीमेटली उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, हमने कहा किसी समय T1 पे बॉडी A पॉइंट पे थी, यानी यहां टाइम कितना था उसका T1 टाइम पे, और थोड़ी देर बाद हमने जब टाइम T2 देखा तो बॉडी B पॉइंट पे थी, यानी ये C मान लो, इसको फिलहाल D मान लो, यानी कि A से B तक टाइम कितना चेंज हुआ, यहां से यहां तक T1, यहां से यहां तक T2, तो ये टाइम कितना चेंज हुआ, T2 माइनस T1, ये टाइम कितना चेंज हुआ, T2 माइनस T1, ये टाइम हो गया। और वेलोसिटी तो V ही रहेगी, वेलोसिटी में चेंज तो हो नहीं रहा है। अब मैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहा हूं, अगर इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं यानी विस्थापन निकालूं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहा हूं यानी कि विस्थापन निकालने जा रहा हूं। देखिए डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, S बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, वेग वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, यही तो होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, तो वहां से विस्थापन यही निकलेगा। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो वेलोसिटी कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो आप कहेंगे AD बोले या BC बोले, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये V है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं AD और इनटू टाइम इंटरवल, तो आप कहेंगे DC, तो इनटू DC। अगर ध्यान से देखिए ये जो ABCD ग्राफ है एक्चुअली ये बना क्या है, तो आप कहेंगे रेक्टेंगल बना है, ये एक आयत बना हुआ है, यानी इसका अगर एरिया निकाल देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, विस्थापन मिल जाता है। तो ये हो जाएगा एरिया ABCD, यानी ABCD का क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी जहां से जहां तक गई है उस बॉडी की जाने की जो लाइन हो और जो टाइम एक्सिस हो उसके बीच का एरिया निकाल दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, विस्थापन मिलेगा। फिर समझिएगा, बॉडी जहां से जहां तक गई है, मान लिया कि बॉडी यूनिफॉर्म नहीं भी थी, यहां से यहां तक गई है, ठीक है, तो ये टाइम एक्सिस है,
तो ये पूरा एरिया जब निकालेंगे यहां से पूरा पूरा एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो ये तो पहला हो गया कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे चल रही है तो कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। दूसरा केस लेते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म तो है लेकिन बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। देखिए फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन मतलब एक समान त्वरित गति है। एक समान तो है, एक समान है लेकिन बॉडी की त्वरित गति है। जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है? आपकी गाड़ी की स्पीड 50 थी, चलिए कम कर लेते हैं 10 थी, अगले सेकंड 12 हो गई, अगले सेकंड 14 हो गई, 14 हो गई, अगले सेकंड 16 हो गई, तो आप क्या कर रहे हैं, हर सेकंड आपकी स्पीड दो बढ़ रही है, हर सेकंड आपकी स्पीड दो बढ़ रही है। तो एक्सीलरेशन तो है, त्वरण तो है, लेकिन कैसा है, यूनिफॉर्म है। अगर मान लिया आपकी स्पीड 10 थी, अगले सेकंड 15 हो गई, अगले सेकंड 25 हो गई, अगले सेकंड 70 हो गई, अगले सेकंड 100 हो गई, तो अब ये क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन यहां भी है लेकिन वहां नॉन यूनिफॉर्म है। तो अभी हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसका ग्राफ बनता कैसे है। देखिए इसका ग्राफ बनाने का तरीका, ये टाइम एक्सिस है जिसको एक्स एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है जो कि वाई एक्सिस है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जरा यहां दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं। हम शुरुआत में बॉडी की स्पीड जीरो भी मान सकते हैं। मान लिया मैं यहां खड़ा हूं और ये आपकी इनिशियल लाइन है, यहां भी बॉडी रखी हुई है और यही से बॉडी चलना शुरू करती है, तो मैं मान लेता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ये भी हो सकता है कि मैं यहां खड़ा हूं, पीछे से बॉडी आई, यहां से सर से निकल गई, यानी कि यहां जहां मैं खड़ा हूं यहां शुरुआती वेलोसिटी बॉडी की जीरो नहीं थी। तो ग्राफ यहां से भी बन सकता है, जीरो से भी बन सकता है। तो मैं फिलहाल जीरो से बना रहा हूं लेकिन ये जीरो नहीं भी हो सकता है। तो हमने कहा सपोज बॉडी इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ कैसे रही है, 10 अगले सेकंड 12 अगले सेकंड 14 अगले सेकंड 16 हर सेकंड दो बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब हमने कहा कि सपोज एट एनी टाइम t1 बॉडी इज एट द पॉइंट ए, किसी समय t1 पे, ये t1 टाइम है, बॉडी ए पॉइंट पे थी और यहां इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहां इसकी वेलोसिटी थी v1। इसको अलग थोड़ा दिखा दीजिएगा। इसके बाद t2 टाइम पे बॉडी पहुंच गई b पॉइंट पे, T2 टाइम पे बॉडी B पॉइंट पे पहुंच गई और यहां पर उसकी वेलोसिटी जो है वो थोड़ा ऊपर दिखा दीजिएगा, ये V2 है, ये y एक्सिस, ठीक है। तो A से B तक बॉडी जब गई तो AB का स्लोप कैसा है, इसका स्लोप निकालने जा रहे हैं। क्या निकलेगा मुझे नहीं मालूम, मैं स्लोप निकालने जा रहा हूं। अब देखिए मैं इसको मिला देता हूं उसी, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है, तो आप कहेंगे T2 माइनस T1। यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे V2 माइनस V1। मैं AB का स्लोप निकालने जा रहा हूं, स्लोप ऑफ AB यानी AB की प्रवणता निकालने जा रहा हूं। आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है कि अगर ये x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है तो ये भी थीटा होगा, तो एक्चुअली आप निकालने क्या जा रहे हैं, tan थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबटे आधार, तो BC अपॉन AC हो जाएगा, BC अपॉन AC। अगर इस डायग्राम को देखें तो BC की वैल्यू क्या होगी, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 यानी Δ V अपॉन Δ T। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर, और यह आपको क्या देता है, ये आपको देता है एक्सेलरेशन, ये आपको देता है त्वरण, यानी यही आपका ए है। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में चल रही है,
एक समान त्वरित गति से चल रही है तो आप केवल उसका जो पाथ है, जो उसका रास्ता है, उसका स्लोप निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, उस बॉडी का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये तो यूनिफॉर्मली हो गया। अब मान लिया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, असमान त्वरण हो, तब क्या होगा? तो यहां पर ये तो सेकंड पार्ट था, अब थर्ड में क्या करेंगे? फॉर नॉन यूनिफॉर्मली मोशन, यानी एक समान नहीं है, असमान त्वरित गति है, असमान त्वरित गति है, तब क्या होगा? देखिए ध्यान से, तब तो ये हो रहा है कि एक सेकंड में, शुरुआत में आपकी गाड़ी की स्पीड 10 थी, अगले सेकंड 15 हो गई, अगले सेकंड 20 हो गई, अगले सेकंड 40 हो गई, अगले सेकंड 60 हो गई। तो क्या होता है, हर सेकंड जो वेलोसिटी का इंटरवल है वो आप अलग अलग है। तो इस प्रकार का ग्राफ बनता कैसे? देखिए, इस प्रकार का ग्राफ जो होता है, ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। तो बॉडी इस प्रकार से मूव कर रही है, इस प्रकार से मूव कर रही है। अब यहां पर हम गए, हमने कहा भाई ए पॉइंट पे जब बॉडी थी टी वन टाइम पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? आपने कहा वेलोसिटी वी वन थी। थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंच गई बॉडी, यहां टाइम कितना है? टी टू है, वेलोसिटी कितनी हो गई? वी टू हो गई। बी पॉइंट पे बॉडी पहुंच गई। अब ए से बी तक जब बॉडी गई है, देखिए एक्चुअली में ये रास्ता नहीं है, रास्ता तो ऐसा है, लेकिन ए से बी तक बॉडी गई है तो हम क्या करेंगे, ए बी का स्लोप निकालते हैं। देखो यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है वो है टी टू माइनस टी वन, और जो वेलोसिटी है वो वी टू माइनस वी वन। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहूं, त्वरण निकालना चाहूं, तो अभी पीछे हमने बताया कि स्लोप निकाल लीजिए, तो मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, एक्सेलरेशन। अब आप कहेंगे साहब कैसे निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी का जो मोशन है वो रेगुलर नहीं है, कभी 10 कभी 20 बढ़ जाता है, कभी 40 बढ़ जाता है। तो आप यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, औसत त्वरण निकालेंगे, औसत त्वरण निकालेंगे, एग्जैक्ट एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। तो आप यहां लिखेंगे ए एवरेज, ये एवी एवरेज के लिए, औसत के लिए क्या होता है, एवी का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ एबी, यानी एबी का आप क्या निकाल रहे हैं, एबी की प्रवणता निकाल रहे हैं, यानी टेन थीटा निकाल रहे हैं। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन अपान टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ये औसत वैल्यू निकलेगी। जरा समझिएगा, जब कोई चीज बहुत जल्दी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो आप क्या नापेंगे, आप या तो घड़ी देख लो या तो बॉडी की वेलोसिटी देख लो। अगर एक चीज देखना चाहते हो तो आपको दूसरी चीज का जो चेंज है ना वो बहुत स्मॉल मानना पड़ेगा। अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, अगर मैं निकालना चाहता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण, तब क्या करेंगे आप, अभी बताइए कितना त्वरण है, इसी में बताइए। तो अब हो क्या रहा, जैसे आपने घड़ी देखी, देखा 2 सेकंड ऊपर टाइम हो गया, गाड़ी 50 से 70 हो गई, मैं बोलने जा रहा था 50 इसका एक्सेलरेशन है, लेकिन जैसे घड़ी देखी वैसे 70 हो गई, मैं 70 बोलने जा रहा था 90 हो गई, 90 बोलने जा रहा था 200 हो गई। अब हम करें क्या, तो हमको ये टाइम इंटरवल जो है ना बहुत स्मॉल मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू यहां लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। डेल्टा टी जीरो के लगभग बराबर है, आई एम नॉट सेइंग दैट इज जीरो, ये जीरो नहीं है लेकिन लगभग जीरो है, इसको कहा जाता है डीवी अपान डीटी। आगे बहुत बार आएगा, आपको एक एवरेज वैल्यू आएगी, एक तात्क्षणिक आएगी, इंस्टेंटेनियस आएगी। तो इंस्टेंटेनियस में दो चीजें चेंज हो रही होंगी, अब दो चीजें चेंज होने में दोनों को एक साथ आप मेजर नहीं कर सकते, तो आपको एक की वैल्यू बहुत स्मॉल माननी पड़ेगी, लगभग जीरो, जीरो नहीं होता है, एक कंसेप्ट है लिमिट का, लगभग जीरो आप करेंगे, ठीक है। अब यहां एक नोटिंग समझ लीजिएगा, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए
अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन है। अब जरा समझिएगा, स्लोप यहां पर क्या है, जिसको कि आप टेन थीटा मानते हैं। स्लोप क्या चीज है, टेन थीटा है, जो आपको क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन दे रहा था, त्वरण दे रहा था ना। अब जरा समझिएगा, अगर पहली बात, अगर थीटा जीरो डिग्री है, जीरो का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा जीरो है, ऐसे है, तो अगर थीटा जीरो है तो इसका मतलब है कि बॉडी बिना वेलोसिटी चेंज के लगातार चल रही है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है ना, वी कैसी है, वी उसका कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर है, और उसमें त्वरण कितना है, जीरो है। पहली बात, अभी सबसे पहला केस हमने बताया। दूसरा, अगर थीटा 90 से छोटा है, अब जानते हैं टेन 90 से छोटी वैल्यू अगर लेते हैं तो पॉजिटिव आती है, तो जो स्लोप आएगा ना, एक्सेलरेशन, वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है, यानी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। तीसरा केस है कि अगर थीटा 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा होने का मतलब ये होता है कि बॉडी इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रही है, रिटार्डेशन हो रहा है बॉडी में, यानी ए जो है वो निगेटिव आएगा, जिसको कि कहते हैं रिटार्डेशन होना, रिटार्डेशन होना, या इसको हिंदी में कहते हैं मंदन होना, ठीक है, यानी बॉडी इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रही है। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ जाकर के। इसके बाद ग्राफ की मदद से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे, ग्राफ की मदद से प्रूफ करेंगे, इसलिए नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो इसको कर लीजिएगा। थैंक यू।